अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरसलान सिद्दीकी फ्रॉम QM एट AR. दोस्तों, हमने लास्ट कुछ वीडियोस में ऑर्डिनरी एंड ड्यू के बारे में की थी. आज मैं आइडेंटिफिकेशन और प्रैक्टिस आपके साथ किया हूं कि अपने बोले अपने कि वो ऑर्डिनरी से लग रहा है या ड्यू से लग रहा है. तो आइए सर, अ पर्सन करंट सेविंग ऑफ ₹560,000 की करंट सेविंग है एयर जीरो पर, ठीक है. और एयर जीरो के अमाउंट को आपको पता है, एयर मैं प्रिंसिपल अमाउंट कहता हूँ, ठीक है. एंड ही आल्सो डिपॉजिट और सर वो ₹28,000 भी डिपॉजिट कराता है एट द एंड. ये देखो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में. और ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर कंडीशन भी क्या थी कि कॉन्स्टेंट पेमेंट्स होंगी और हर पेमेंट जो है वो टाइम इंटरवल के एंड पर होगी. तो यहाँ पर टाइम इंटरवल, तो हर क्वार्टर के एंड के ऊपर पेमेंट हो रही है. जी सर, एट एन ऑफ 12%, 12.56% पर एनम. सर पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट भी गिवन है. आप चेक करो, कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, मंथली हो रही है, क्या हो रही है? सर कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली हो रही है. तो इस केस में मैं 12.56 को एडजस्ट करूंगा बाय 4, ठीक है सर, फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है. फाइंड द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 10. सर 10 साल के आखिर में जो है वो उसके पास कितना अमाउंट होगा, ये उसको कैलकुलेट करके देना है. सर अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाता हूँ अपने पास, अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाता हूँ, तो दोस्तों एयर जीरो के पास 560,000 रुपीज उसके अकाउंट में है. क्या ये 560,000 रुपीज ऐसी के ऐसी साल तक? क्या नहीं सर, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा. इसकी हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी सर हम सिंपल कंपाउंडिंग करेंगे, इसकी हम सिंपल कंपाउंडिंग करेंगे. क्योंकि सर इस पे इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ना, जब बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया है मैंने, तो वो अगर मैं उसके ऊपर एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवा रहा हूँ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मुझे मिलता रहेगा. तो सर 560,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट तो मुझे मिलता रहेगा, जब 10 साल के ऊपर जाके सर्टन अमाउंट मुझे एंड पे मिलेगी. जी दोस्तों, फिर वो 28,000 रुपये हर क्वार्टर में 28,000 रुपीज जो है सर वो क्या करा रहा है, डिपॉजिट करा रहा है, हर क्वार्टर में कराएगा, हर साल के क्वार्टर में कराएगा. तो ये कॉन्स्टेंट पेमेंट्स आ गई, टाइम पीरियड भी आपका टाइम इंटरवल भी फिक्स है, एक क्वार्टर हर क्वार्टर के बाद हो रही है और सर हर क्वार्टर के एंड भी हो रही है. तो तीनों जो है आपके पास एन्युटी की फुलफिल गई. सर इन 28,000 के ऊपर मैं ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर मैं 10 साल के एंड पर ले जाऊंगा और सर वहां पे जाके इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा. अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू पी इन टू 1 + r की पावर n या i की पावर n प्लस जी दोस्तों, तो अब क्या सीन है? अब सीन ये है कि सर प्रिंसिपल अमाउंट इसका कितना है एयर जीरो पर, 560,000 रुपीज है. जी दोस्तों, 1 + की क्या है? बात खत्म नहीं होती क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है. मैं लूंगा वाला अमाउंट, ये फैक्टर का अमाउंट, ये फैक्टर का अमाउंट कितना है सर, 28,000 इंटू 1 + फोर इंटू 4 - 1 5% ओवर 4. दोस्तों 4 बीइंग क्या है, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का. सर रीजन ये है कि क्या हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी
है, क्वार्टरली कर रहा है, तो सर अगर मैं इस पूरे फैक्टर को अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ तो सर मेरे पास एस की वैल्यू कुछ ये आती है, 8256, 4108256। जी दोस्तों के दो पार्ट थे, एक पार्ट में क्या लग रहा था सर कंप्यूटर्स का फॉर्मूला लग रहा था, दूसरे पार्ट में क्या लग रहा था फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लग रहा था। सो इस तरीके से हम अपने जो है वो सवाल सॉल्व कर लिया हमने। इंशाल्लाह।